हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम। दोस्तों, मैं सीना ट्रेडर्स से आज आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ सिलाई मशीन की चौकी के ऊपर। लकड़ी की ये चौकी है सिलाई मशीन की, और चौकी नीचे का चौकी भी है और ऊपर का इसमें लकड़ी का ढक्कन भी है। ये वुडन चौकी है फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत है। आप देख रहे होंगे इसका लुक, इसकी फिनिशिंग। ये चौकी नीचे का हिस्सा हो गया आपका, इसको उठा दीजिए तो ये आपका ऊपर का ढक्कन है, ताकि मशीन यूज़ करने के बाद आप जो है इसको ढक सकें। पहले हम आपको नीचे का हिस्सा दिखाते हैं फ्रेंड्स, फिर इसके ऊपर का ढक्कन दिखाते हैं। ढक्कन ये रख दीजिए, ये आपका ढक्कन हम लोग रख दे रहे हैं। पहले हम लोग इसकी चौकी को देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं ये लकड़ी की चौकी है पूरी, और माइका पेस्टेड है, इसमें माइका लगा हुआ है। तो प्लाई का पूरा बोर्ड दिया हुआ है, और मशीन की फिटिंग देखिए आप, बहुत अच्छी है। कहीं आपको एक्स्ट्रा फालतू का गैप नहीं दिखेगा, एकदम मशीन फर्स्ट क्लास बैठी हुई है। बहुत अच्छी कटिंग, तो अच्छे कारीगर से बनी हुई अगर चौकी रहेगी तो मशीन बहुत अच्छी बैठेगी फ्रेंड्स। ये नीचे आपका ऐसा लगा हुआ है। आप ये है कि नीचे वाले हिस्से में प्लास्टिक का कोई चीज़ रख दें, ताकि इसके तेल उसी पे गिर के ख़राब ना करें उसको। इसको आपको हम दिखाते हैं खोल, इसमें ताला लगा हुआ है, जैसा बंद खोल करके दिखा दीजिए ना। जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसमें इतनी जगह दिया हुआ है कि जैसे मशीन के टूल बॉक्स हो गए, जिसमें सुई, बॉबिन, पेचकस, तेल सब चीज़ होते हैं। एक नॉर्मल साइज़ की 8-9 नंबर की सीज़र रखा जाए, आपके धागे रखा जाए, और यूज़ करके आप उसको बंद कर दें, ये बंद रहेगा। तो अच्छी चीज़ है, और ये शौकीन लोग ही लेते हैं ऐसी वुडन चौकी, क्योंकि आप इसको जब ज़मीन में रख देते हैं तो ये थोड़ी ऊंची रहती है, तो बैठ के आपको चलाने में आराम होगा, झुकना नहीं पड़ेगा। जो प्लास्टिक के बेस होते हैं तो उसको जब आप मशीन में रखेंगे, ज़मीन में रखेंगे फ्रेंड, तो आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है। और ये मशीन है, इसमें हैंडल लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे मोटर भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका ये कवर लग जाएगा, क्योंकि कवर भी काफ़ी चौड़ा दिया हुआ है, काफ़ी चौड़ा दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसकी हाइट और चौड़ाई वगैरह दिखा देते हैं आपको, ज़रा दिखा दीजिए तो। लगभग देखिए ये 9 इंच के करीब करीब इसकी हाइट दिया है फ्रेंड्स। ज़मीन में रखेंगे आप, इसकी हाइट जो है 9 इंच से थोड़ा सा कम है। तो हाइट आपको इतना दिया है कि आपको झुकना ना पड़े। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ के काम भी करते हैं तो थकावट ना। पूरा 1 फीट इसकी चौड़ाई है पूरी, 12 इंच इसकी चौड़ाई भी आपको काफ़ी दिया हुआ है, और ये लंबाई यहाँ से आप देखेंगे 2 फीट। तो 2 फीट फ्रेंड्स इधर से आपका दिया हुआ है लंबाई में, इधर से चौड़ाई आपकी 1 फीट है, और इसकी ऊंचाई लगभग 9 इंच के आसपास है। तो एकदम परफेक्ट साइज़ है फ्रेंड्स। इसका हम लोग ढक्कन आपको दिखा देते हैं, मेरा ढक्कन भी इसको उस पर रख दीजिए। फिटिंग इतनी बेहतरीन है फ्रेंड्स, देखिए ये रखाया एकदम फर्स्ट क्लास बैठ गया, और इसमें एक हैंडल भी दिया हुआ है यहाँ पे आपका, और बढ़िया प्लाई का है तो मजबूत है, हवा हवाई नहीं है। इसका भी जरा सा चौड़ाई दिखा दीजिए इन स्टेप्स में आपके, लगभग देखिए ये पूरा 6 इंच इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई दिया हुआ है। कितना आ रहा है आपका, 11 इंच आ रहा है, 10-11। तो ये 11 इंच वहाँ से इसकी चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई भी बहुत अच्छी दिया हुआ है। इसकी लंबाई देखते हैं हम लोग, अच्छा ये इधर से देखिए इसकी 20 इंच है, तो काफ़ी लंबा है फ्रेंड। नीचे वाली आप चौकी जैसे देखे थे, इसकी लंबाई 2 फीट थी पूरी, तो पूरा कवर कर लेता है। 11 से ज़्यादा है, 11.5 इंच इसकी हाइट है। तो हाइट तो आपके समझिए कि नीचे चौकी से ज़्यादा हाइट ऊपर के कवर की है, इसीलिए इसको उतना दिए हुए हैं फ्रेंड्स। कि कस्टमर अगर हैंडल लगाएगा मशीन के अंदर,
तो हैंडल भी लग के ये कवर लग जाएगी। और अगर वो मोटर लगाते हैं मशीन के साइड में, जैसे ये मशीन है इसके साइड में मोटर भी अगर लगती है, तो कवर अगर पतला रहेगा, ये कवर अगर पतला रहेगा तो वो मोटर लड़ेगी, पर ये चौड़ाई अगर ज्यादा रहेगी तो मोटर भी साइड में लग जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। इसको निकाल दीजिए ढक्कन, ढक्कन थोड़ा अंदर से दिखा दीजिए। देखिए ये पूरा आपका, देखिए ये प्लाई से लगा के मजबूत किए हैं, ये बीच में माइका आपका दिया हुआ है, ये माइका इसमें, तो इसीलिए आप इसको दूर से नहीं मंगा सकते हैं, करीब से ही आपको लेना पड़ेगा। दूर से मंगाएंगे तो टूट जाएगा जाने में आपका। थोड़ा सा पलट के पीछे से दिखा दीजिए, नहीं वो चौकी पलट दीजिए आप, सब साइड से देखिए फ्रेंड्स, हर तरफ आपको फिनिशिंग एकदम शीशे की तरह फिनिशिंग मिलेगी आपको। नहीं नहीं एकदम बढ़िया फिनिशिंग है, और ये शीशे पे भी देखिए रखा हुआ है आपका, कि थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा, ये नहीं कि हिलने लग जाए, शीशे पे रखा है तो भी एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। तो ये सब क्वालिटी होती है, आप जब भी बनवाएं एक अच्छे कारपेंटर से उसको बनवाएं, जो प्रोफेशनल हो, पहले से बना रहा हो, तो ही आपको वो इतना परफेक्ट तरीके से बना के दे सकेंगे, फिटिंग आपकी एकदम बेहतरीन आए। ठीक है, सीधा कर दीजिए, इसको आप कभी भी ऑनलाइन ना मंगाएं, दूर से ना मंगाएं किसी से भी, क्योंकि ये जाने में डैमेज हो जाएगा, इसकी चौकी भी डैमेज हो जाएगी, इसका कवर भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ माइका है बीच में और कुछ नहीं है, सब डैमेज हो जाएगा। तो आप अपने करीब से ही किसी कारपेंटर से ही इसको बनवाइए, तो ही ये सही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, ये चौकी आपको पसंद आई हो, शुक्रिया।